तो दोस्तों सोलर प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी फील्ड के चलते काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इस बूम के चलते काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है। जैसे कि टाटा पावर प्रोजेक्ट्स में अभी मैंने कल ही एक वैकेंसीज के बारे में, सोलर प्लांट के बारे में बताया था जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की आवश्यकता थी। आप वीडियो पे ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह इसमें स्टर्लिंग विल्सन्स में भी कुछ नया रिक्रूटमेंट आया है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है वीरेंद्र सोनकर, ये मेरा चैनल है टेक्निकल वीरू। चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें सीनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट मैनेजर, एनर्जी स्टोर्स के लिए वैकेंसीज आई है। प्रोक्योरमेंट में भी वैकेंसी है, प्लानिंग इंजीनियर्स में वैकेंसी, टेंडरिंग और सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, एनर्जी स्टोर और सिस्टम से ये वैकेंसीज की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लोकेशन रहेगी बेंगलुरु, दिल्ली, NCR में रहेगी। इसमें जो मेनली एक्सपीरियंस मांग रहा है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रिले, प्रोटेक्शन, कोऑर्डिनेट, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस में, SBLV इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए, साइट BES चाहिए, की स्किल्स की बात की जाए तो ये सब की स्किल्स है। ये सब की स्किल्स को दोस्तों आप अपने CV में मेंशन कर सकते हैं जिससे आपके CV सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, अगर आपको CV सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना है तो ये आप ये जो मेरे दो आर्टिकल है इसे ज़रूर पढ़िएगा। और इसी में मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा करके दिखाया हुआ है, तो यूट्यूब चैनल्स पर, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल वीरू पर भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी इंटरव्यूज़ के कॉल आएंगे, CV सेलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। इसके लिए BE, BTEC इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग इंजीनियर्स की एक वैकेंसीज है, ये PV सोलर्स में है। PV सोलर्स की ये जो वैकेंसीज है इसमें 4 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और इसकी सैलरी रहेगी 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में। इसमें मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो प्लान सीक्वेंस, प्रोजेक्ट ऑपरेशन गाइडेंस, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मॉनिटर, एनालाइज इफेक्टिवनेस। फिर उसके बाद इसमें CV देखो, इसमें स्टेटस के इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर CV ऑनलाइन थ्रू द naukri.com, तो ये naukri.com के थ्रू आपको अप्लाई करना है। और अभी अभी कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है टाटा प्रोजेक्ट्स में मैंने, जैसे कि सोलर प्लांट के लिए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है टाटा प्रोजेक्ट में ही, या सीमेंट प्लांट के लिए मैकेनिकल की आवश्यकता है और LNT इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्राफ्टमैन सिविल की आवश्यकता है। अगर आप रिन्यूअल एनर्जी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये आर्टिकल आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही डिटेल से रिन्यूअल एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से इसमें नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी और गवर्नमेंट का इस पर क्या क्या इनिशिएटिव्स है इसके बारे में जानकारी दी है। फिर उसके बाद HVAC एस्टिमेशन इंजीनियर्स की आवश्यकता है जिसमें 5 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। सैलरी रहेगी इसका 4 लाख से 8.5 लाख के बीच, जो कि डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू और पास्ट करंट CTC पर, पास्ट एक्सपीरियंस और करंट CTC पर। मुंबई में इसकी लोकेशन रहेगी चैम्बूर के पास में। ठीक है, इसमें जो काम रहेगा HVAC एस्टिमेशन, टेंडरिंग्स, डक्ट साइज, पाइप साइजिंग, इक्विपमेंट्स और पंप हेड लॉस, ESP कैलकुलेशन, अटेंडिंग मीटिंग, क्लाइंट कंसल्टेंट, ये सब है। इसके अलावा ये चैनल पर जो अभी टाटा प्रोजेक्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में भी मैंने ये बताया था, इसे भी ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद HVAC एस्टिमेशन, ये सब इसके जॉब डिस्क्रिप्शन से पढ़ लेना, इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों कुछ और भी वैकेंसीज है जो काफ़ी पॉपुलर वैकेंसीज हैं। इन पॉपुलर वैकेंसीज में ये टाटा प्रोजेक्ट्स की में मैकेनिकल का रिक्रूटमेंट है। फिर उसके बाद टेक्ला सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या कैरियर सैलरी पैकेज मिलता है, वो भी जानकारी ले सकते हैं। टाटा ब्लू स्कोप में भी कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है, उसे भी देख लीजिएगा। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए एक वैकेंसीज आई है, सिविल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, 14। फिर उसके मुंबई लोकेशंस में इसकी पोस्टिंग रहेगी, ये कुछ इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए हैं। इसमें SCM देखना है, कलेक्टिंग RFQs वगैरह है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तो मैंने सब कुछ बता दिया है। इसे अप्लाई करने के लिए जितना जितना इनकी लिंक अलग अलग दी है वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।